तो अभी मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये मूवी एक मास्टरपीस मूवी है और इस मूवी को देखना एडवेंचर भी होगा और खतरनाक भी। तो मूवी का नाम है ए क्विट प्लेस। इस मूवी के अभी 3 पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट 2018 में आई थी और इसका दूसरा पार्ट 2020 में, और इसका तीसरा पार्ट इसी साल जून में रिलीज हुआ है, जो कि ए क्विट प्लेस का ही प्रीक्वल है जिसका नाम ए क्विट प्लेस डे 1 है। तो फिल्म की स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक शहर को दिखाया जाता है जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तभी आसमान से कुछ गिरते हुए दिखाया जाता है। देखते ही देखते पूरे शहर में एक ऐसे जीव का आतंक शुरू हो जाता है जिन्हें तो दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन उनमें सुनने की ताकत बहुत अधिक होती है। उनमें सुनने की ताकत इतनी होती है कि वो कई किलोमीटर दूर की भी आवाज़ को अच्छी तरह से सुन सकते हैं, और आवाज़ जहाँ से भी आए वो चीज़ को वो ख़त्म कर देते हैं। ऐसे लाखों लोग मारे जाते हैं, शहर पूरा खाली पड़ जाता है। वैसे फिल्म की कहानी चलती है एक परिवार के साथ, ली अबॉट और एवेलिन अबॉट और उनके बच्चे। ये परिवार अकेले छुप कर रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से काट रहे हैं ये आप देख कर तंग रह जाओगे। वो लोग कुछ नहीं बोलते, उन्हें आपस में बात करे कई महीने हो चुके होते हैं। वे लोग आपस में इशारे से बातें करते हैं, यहाँ तक कि वे जिस रास्ते से आते जाते हैं उस रास्ते को उन्होंने रेत बिछा कर रखा है ताकि चलने पर पैर की आवाज़ ना आए। सोचो तुम कितना मुश्किल है ये, एक टिक की भी आवाज़ आ जाए तो वो एक सेकंड में आदमी को ख़त्म कर देता है। इस परिवार के अलावा पूरे शहर में कोई दिखाई नहीं पड़ता है, और कोई होगा भी तो जाए कौन। लोगों के आपस में कोई संपर्क नहीं होते हैं, घर दुकान मॉल बस ऐसे ही पड़े होते हैं। ये सारा मंजर देखकर तुम्हें अजीब महसूस होगा। मुझे जो इस मूवी में सबसे खतरनाक सीन लगता है जहां ली और एवेलिन कुछ सामान लेकर आ रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ, तभी उस रेत के रास्ते पर आगे पीछे चल रहे होते हैं, तभी उनका जो सबसे छोटा बच्चा होता है लगभग 3 या 4 साल का, वो चुपके से एक खिलौना रखे होता है और अचानक से उसे चालू कर देता है जिससे उसमें से आवाज आती है, और उसके बाद जो होता है तुम उस सीन को महसूस कर सकते हो। ये फिल्म पूरी तरह से दर्शकों को अपने साथ एंगेज करके रखता है जिससे आपकी स्क्रीन से नजर नहीं हट पाएगी। फिल्म में दिखाए गए ली और एवेलिन के किरदार को निभाया है जॉन क्रसिंस्की और एमिली ब्लंट ने, जो कि दोनों रियल में हस्बैंड वाइफ हैं, और इस फिल्म को जॉन क्रसिंस्की ने खुद लिखा और डायरेक्ट भी किया है तीनों पार्ट को, और इसकी चौथी पार्ट भी आने की संभावना है। और एक जबरदस्त बात तो ये है, इस फिल्म से इंस्पायर एक गेम भी आने वाली है जिसका ट्रेलर आ चुका है। गेम का नाम है ए क्विट प्लेस द रोड अहेड। ये गेम इसी साल अक्टूबर में रिलीज होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बाय।